Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. Class 6 exercise 8.2 start karne ja rahe hain beta. Yahan ka question number 1 hai. Write in simplest form. Humne simplest form mein add karni hai, value subtract karni hai. Yaad rakhiyega, add aur subtraction mein ek rule hota hai ki koi bhi value jiska variable same hota hai, wohi aapas mein add ya सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. अगर उनके वेरिएबल सेम नहीं है तो वो उन वैल्यूज में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. चलें क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 3x. तो बेटा तीनों वैल्यू ही x की दी हुई है, यानी कि तीनों का वेरिएबल भी सेम है और साइन भी सेम है, यानी कि तीनों ही प्लस किया तो हम इन्हें प्लस कर देते हैं. 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 इनका कोफिशिएंट जो है वो उसको करना है. x remains वही रहेगा, x का x ही आएगा, यानी कि यहां पर x की 3 नहीं लिख देना बेटा. पावर्स हमेशा मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा होती है, डिवीजन में कम होती है, लेकिन प्लस माइनस में वो वैसे एज इट का एज इट ही आपका वेरिएबल जो होता है वो रह जाता है. ठीक है, तो यहां पर सिर्फ कोफिशिएंट्स को प्लस जो भी करना, वो ये प्लस हो रहे तो प्लस करना है, माइनस हो रहे तो माइनस करना है. तो लेकिन अगर इनकी वैल्यूज, इनकी वैल्यूज को पावर नहीं बनाना तो 4 7 11 और 3 14 x आ गया. अगले क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं. देखिए बेटा 13x प्लस 6y माइनस 6x. तो x की दो वैल्यूज हैं, इन्हें आपस में करीब कर लें. 13x माइनस 6x और ये प्लस 6y जो है वो सेपरेट कर लें क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है. अब क्योंकि ये देखें ये सेम वैल्यूज हैं, इसी में प्लस या माइनस हो, ये माइनस हो रही है, तो 13 में से 6 निकाल लेंगे तो 7 रह जाएगा. 7x प्लस 6y. आप क्योंकि ये दोनों का वेरिएबल अलग है इसलिए आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. नेक्स्ट में देखें q की 3 माइनस q की 3 प्लस v की 3. बेटा जिसका कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, प्लस माइनस आपस में कट गई, अकेला p की 3 रह गया, वो हमने राइट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे कि 3a प्लस 2b और 4a माइनस 3b. तो बेटा मैंने पहले लिखा 3a प्लस 2b 4a, यानी कि a वेरिएबल a के नीचे आएगा, b का वेरिएबल b के नीचे आएगा. अब आपने ऐड करना है 3 4 7 a आ गया. ये दोनों अलग अलग साइन है तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमने निकाल देंगे. बड़ी वैल्यू 3 है, 3 में से 2 निकाले 1, यहां जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसमें ऑटोमेटिकली उसके साथ 1 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा 6a की 3 प्लस 4x की 2 माइनस 5x माइनस 1. ये वैल्यू को मैंने तरतीब में डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एक्स के हिसाब से लिख लिया. माइनस 2x की 3 माइनस x की प्लस x की 2 प्लस 6x प्लस 5, यानी कि सेम वेरिएबल. अगर अगर ऊपर एक 3 है तो नीचे भी 3 है, अगर यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, अगर यहां पे x है तो यहां पर भी x है. देखिए बेटा 6 से 2 निकाला तो 4 आ गया, x की 3 एज इट आ गया. 4 जिसके साथ कुछ नहीं होता हमने कहा था 1 था, 4 प्लस 5 5x की 2 आ गया. अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस का साइन आ गया, 5 से 6 से 5 निकाला तो 1 1 हम नहीं लिखते. ये भी दोनों अलग अलग साइन है, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकाली 5 से 1 गया तो 4 आ गया. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए बेटा, वहां पर है सब्ट्रैक्ट माइनस 5y फ्रॉम 4y. तो इट मीन दैट जो बाद में वैल्यू लिखी जाती है फ्रॉम के वो ऊपर लिखते हैं 4y माइनस 5y. आप बेटा माइनस में सब्ट्रैक्शन में हमने नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देने हैं, जितनी भी वैल्यूज होगी ये माइनस की हमने प्लस कर दिया, दोनों वैल्यू प्लस की होगी, 4 और 5 9 9 आ गया और y का y. इसमें अब आगे चलते हैं. देखिए क्वेश्चन है 8a माइनस 7b की 2 प्लस 4c माइनस 3. फ्रॉम किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 4a प्लस 2b की 2 प्लस 6c प्लस 8. हमने साइन चेंज कर दी, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया. अब 8a से 4a निकाल दो तो बाकी क्या, दोनों निकलने थे तो 4a बच रहा था, लेकिन अब क्या इसका साइन चेंज हो चुका है, ये किसका बन चुका है, प्लस का. तो 8 और 4 कितने हो गए, 12. इसी तरह याद देखें ये प्लस का था, इसका साइन क्या हो गया, माइनस का. माइनस माइनस सेम है, जब सेम साइन आ जाए साइन वही आता है, वैल्यूज को आपस में प्लस कर देते हैं. तो माइनस का साइन माइनस का आ गया, 7 2 9 बन गया. अब देखिए बेटा यहां पर इसका साइन प्लस था लेकिन माइनस हो चुका है, अब बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 6c से 4c निकाला तो 2c आ गया. इन दोनों का सेम साइन था बेटा, साइन वही आ गया,
3 और 8 11 बन गया। बेटा ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।